फाइनली यहां पर आपके आईफोन में चेक करेंगे तो नया iOS 18.1 पब्लिक बीटा 2 का जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। ये जो अपडेट है उसकी साइज करीब करीब आपको 1 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो अपडेट है उसको आप डाउनलोड मत करो। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर है वो पूरा यहां पर चेंज हो जाता है और यहां पर काफी बग्स देखने को मिल जाती है। यहां पर देख सकते हैं कुछ स्लॉट हमारे खाली है, पर जैसे ही हम स्वाइप अप करेंगे, स्वाइप डाउन करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर जो हमारा विजेट और जो टोकल था वो आ चुका है, बट यहां से मिसिंग हो चुका है। बार बार हम ओपन करेंगे, चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ यहां पर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। अब देख सकते हैं वापस से यहां पर हमारा जो टोगल बटन है वो यहां पर रिमूव हो चुका है। अगेन मैं यहां पर अपना जो डिवाइस है उसको लॉक करके अनलॉक करता हूं और चेक करता हूं तो बार बार यहां पर हमारा जो टॉगल बटन है वो यहां पर रिफ्रेश हो जाता है और पूरे जो लेआउट है कंट्रोल सेंटर की वो बार बार रिफ्रेश हो रही है। तो अगर आपको कंट्रोल सेंटर की कोई बग्स अगर नहीं पसंद है तो ये वाला जो अपडेट है iOS 18.1 पब्लिक बीटा 2 उसको डाउनलोड मत करना। यहां पर कंट्रोल सेंटर की बग्स के बारे में तो बात कर ही दी, बट कंट्रोल सेंटर में कुछ नया भी आया है। जैसे कि अब फाइनली आप यहां पर इंडिविजुअल वाईफाई, सेलुलर डेटा, ब्लूटूथ, पर्सनल हॉटस्पॉट उसका यहां पर जो टॉगल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सा लॉन्ग प्रेस करना है, ऐड कंट्रोल में जाना है। अब यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कनेक्टिविटी के अंदर आप लोगों को काफी सारे न्यू टॉगल अब देखने को मिल चुके हैं। पर्सनली मेरे को ये iOS 18 वाला था वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो एक अच्छी बात हुई कि यहां पर इंडिविजुअल टॉगल बटन है वो दे दिए हैं, जिसकी हेल्प से आप इजीली यहां पर अपना जो वाईफाई, ब्लूटूथ है उसको टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी वाईफाई रिलेटेड नेटवर्क है वो आप लोगों को यहां पर शो करना स्टार्ट कर देंगे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल सेंटर में आप लोगों को बग्स भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहां पर बात करें न्यू फीचर्स की, जो कि आप लोगों को सेटिंग्स में अगेन देखने को मिल जाता है और वो भी कंट्रोल सेंटर में ही देखने को मिल जाता है। एप्पल वालों को पता ही था कि कुछ ना कुछ बग्स आएगी, आप लोग कुछ ना कुछ यहां पर चेंज करेंगे, तो इसलिए फाइनली जो मोस्ट अवेटेड फीचर्स था जो कि काफी लोगों को चाहिए था, रिसेट कंट्रोल सेंटर का, वो भी वापस आ चुका है। यहां पर आप टैप करेंगे तो बॉटम पर आप लोगों को एक पॉपअप आएगा, रिसेट कंट्रोल सेंटर। जैसे ही यहां पर टैप करेंगे, अब यहां पर हम कंट्रोल सेंटर को चेकआउट करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल सेंटर का पूरा लेआउट है वो फिर से नॉर्मल हो चुका है, जैसे कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। बट यहां पर देख सकते हैं अगेन एक बग्स देखने को मिली है। यहां पर आपको 1, 2, 3 और 4 आपको चार चार यहां पर पॉपअप देखने को मिल जाता है। ये 2 बग्स मेरे को कंट्रोल सेंटर में बिल्कुल पसंद नहीं आया है, जो कि आप लोगों को हो सकता है परेशान करे। यहां पर अगेन मैं आपको शो करके दिखाऊं, यहां पर देख सकते हैं जो फर्स्ट पैनल है, सेकंड पैनल है, थर्ड पैनल है, कोई फोर्थ पैनल है ही नहीं। पर जैसे मैं यहां पर कंट्रोल सेंटर को करता हूं ओपन, स्वाइप अप करूंगा, अगेन स्वाइप अप करूंगा और यहां पर कंट्रोल सेंटर को बंद करके फिर से स्वाइप अप करके चेक करूंगा, तो यहां पर देख सकते हैं जो फोर्थ पेज है वो ऑटो क्रिएट हो जाता है। ये पिछले अपडेट में भी मेरे को इश्यू देखने को मिला था और इस अपडेट में भी देखने को मिला है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपकी डिवाइस में कोई भी कंट्रोल सेंटर का इश्यू है या फिर नहीं। इसके बाद जो न्यू चेंजेस देखने को मिला है वो है 15 प्रो और प्रो मैक्स सीरीज, जिसमें यहां पर एप्पल इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप मैसेजेस ऐप को ओपन करेंगे तो यहां पर एक न्यू पॉपअप देखने को मिल जाएगा, न्यू स्प्लैश स्क्रीन आ जाएगी कि एप्पल इंटेलिजेंस इन मैसेजेस। तो यहां पर अब मैसेजेस में आप लोगों को जो समरी है वो देखने को मिल जाता है और यहां पर ऑटो स्मार्ट रिप्लाई है उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कंटिन्यू पर टैप करेंगे तो आप लोगों को काफी सारे सजेशन और काफी सारी यहां पर जो रिप्लाई है, स्मार्ट रिप्लाई, वो देखने को मिल जाता है। अब एप्पल नोट्स में भी न्यू एप्पल इंटेलिजेंस का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। सिंपल सा यहां पर आप चेक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यू टॉगल दे दिया है एप्पल इंटेलिजेंस का। तो यहां पर कोई भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे और इस लोगो पर टैप करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका जो नया एप्पल इंटेलिजेंस का जो राइटिंग टूल है वो ओपन हो जाता है, जिसको आप यहां पर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट इतना कोई खास एप्पल इंटेलिजेंस मेरे को लगा नहीं है कि जिसका यहां पर मैं हम कंटिन्यू और रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज कर पाए। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी डिवाइस में एप्पल इंटेलिजेंस का जो फीचर है वो आया है या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं ओवरऑल मेरे आईपैड में और यहां पर मेरे आईफोन में। ये जो नया अपडेट आया है iOS 18 का पब्लिक बीटा 2 यानी कि 18.1 पब्लिक बीटा 2, तो क्या आप लोगों को ये जो डाउनलोड है वो करना चाहिए या फिर नहीं? तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि जो कंट्रोल सेंटर का बग्स है उसके अलावा और कोई मेरे को कोई खास इश्यू देखने को नहीं मिला है। यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्मूथ है, प्रॉपर तरीके से वर्क भी करता है, कोई लैगिंग इश्यू, कोई हीटिंग इश्यू अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला है। कल रात को ही मैंने जो अपडेट है उसको डाउनलोड करके रखा हुआ था और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो बैटरी हेल्थ है, आप लोग काफी मेरे को पूछते रहते हैं कि भाई आपका बैटरी क्या ड्रॉप हुआ या फिर नहीं, तो यहां पर बैटरी हेल्थ और चार्जिंग में जाके मैं शो करके बताऊं
तो पिछले दो अपडेट से जो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी वो 87% पर ही है, अभी तक मेरे को कोई ड्रॉप 18.1 के बीटा अपडेट में देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आपकी भी डिवाइस में जो बैटरी ड्रॉप है वो देखने को ना मिला हो। अगर यहाँ पर बात करें डे टू डे यूजर्स की, तो हर दिन यहाँ पर iOS 18.1 आने के बाद मैं 5 घंटे के करीब करीब जो फोन है उसको यूज करता हूँ। स्क्रीन ऑफ टाइम भी मेरा 1 घंटे के करीब करीब रहता है, तो ओवरऑल मेरे को जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही सही देखने को मिल जाता है। तो कंट्रोल सेंटर का बग्स अगर आप लोगों को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं तो ये वाला जो नया अपडेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलता हूँ ये वाला जो अपडेट है उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट जो बीटा अपडेट आएगा तभी आप इसको डाउनलोड करना अपने आईफोन में। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये जो नया मेरे आईफोन 14 प्लस का कवर है वो पसंद आया हो तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफी सही है, काफी मस्त है, इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका कैमरा बम्प है वो भी काफी सही सही देखने को मिल जाता है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है बट मेरे को अमेजोन से मिल गया करीब करीब 200 रुपए के आसपास, तो मैं लिंक दे दूंगा, वो जरूर चेकआउट कर लेना। सो फॉर मोर आईफोन और iOS अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल टेक रिस्क को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने आईफोन वाले दोस्तों के साथ जरूर ये शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।